मेरा नाम है चंद्रप्रकाश, मेरी उम्र है 60 साल, हम कानपुर के हैं। यहाँ 40 साल हो गए मेरे को काम करते हुए प्रेस का। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, सबको यहीं पाला पोसा, सबको लिखाया पढ़ाया। सबसे पहले काम हम नौकरी करते थे दुकान में, यहाँ पे 200-250 रुपये तनख्वाह थी उस वक्त। तो बच्चों को फीस भी देना, पढ़ाना लिखाना बच्चों को, वही बंद। फिर वो खाली मकान मालिक ने खाली करवा लिया, बंद हो गई। फिर हम प्रेस करना शुरू कर दिया अपना। यहाँ पे हम चांदनी चौक से प्रेस लेके आए थे, खरीद के 100 रुपये की मिली थी उस वक्त। तो फिर हमने आस्ते आस्ते काम नया शुरू किया, हमने बच्चे पाले, फिर उनको परवरिश करी। फिर धीमे धीमे कस्टमर बढ़ते गए हमारे। फिर कस्टमरों को घर हम जाते थे कपड़े मांगने, उनके घर जाते थे। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत कपड़ा रख के भी करते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक कपड़ा, जो बहुत हल्के कपड़े होते हैं उनको भी बहुत आराम से करना पड़ता है। आजकल कपड़े नए नए डिजाइन के चल गए हैं। अभी उसमें बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो प्रेस नहीं होते हैं, बहुत से कपड़े ऐसे जो जलने वाले हो जाते हैं, हम उसको मना कर देते कि हमसे नहीं होंगे। फिर बहुत से जल भी जाते हैं तो उनको बोल देते हैं हमारा आपका कपड़ा जल गया है, तो फिर वो चुपचाप चले जाते हैं लेकर। चुपचाप तो नहीं जाते होंगे, कुछ गुस्सा तो होते हैं। वो थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो कुछ तो कुछ बोलेंगे, वो गुस्सा होकर मेरा जला दिया, ये कर दिया, इतने का है, हमें पैसे चाहिए। तो हम तो कहते तो हमें 4-3 रुपये मिलने नहीं, तो हम 200 रुपये कहाँ से देंगे आपको कपड़े के। परेशानी हमने बहुत उठाई है यहाँ पे, बिगड़ परेशानी तो गुजारा नहीं था यहाँ पे। फिर आस्ते आस्ते फिर हमने ये घर बना लिया, फिर यहाँ रहने लग गए हम। तो अभी इतनी महंगाई हो रही है, हमारे पास इतना पैसा नहीं ना जो मकान ले लें। कहीं सरकार हमें ज़मीन दे दे, जगह दे दे, तो हम बना के रह सकते हैं, बच्चे अपने पाल सकते हैं। ये फुटपाथ में नहीं रहना चाहते ना, कुछ कोई अच्छी जगह रहें। हमारा देश है, हम खुश रहते हैं कि देश हमारा आज़ाद रहे, किसी गुलामी में ना रहे देश हमारा।